यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सचिन, आप देख रहे हैं सैड गेमर्स, वेलकम टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर न्यू ओरास। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने डिगो स्मिथ का कोई मिशन किया था, उसको मेरे पूरी तरह मिशन मुझे याद नहीं है हमने कौन सा मिशन किया था। और हम अभी चल रहा है मैं एलन के पास, क्योंकि डिगो स्मिथ हम सब एक जगह मिलने वाले हैं। हम कोई किसी रॉबरी की प्लानिंग करेंगे। डिग स्मिथ, मारी, एलन, हम सब 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 फ्रेंड एक जगह मिलेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब और साइड बेल आइकन है तो प्लीज दबा दें ताकि कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, हम यहां से घूम जाते हैं सीधे। पहले तो हमें सीधा जाना है एलन के पास। एलन हमें वहां उस जगह पर मीटिंग पॉइंट पर लेकर चलेगा, जिस पॉइंट पर हम सभी एक साथ ही मिलने वाले हैं। हम किसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं काफी समय से। तो मैंने आज कोई पुलिस वाले की गाड़ी उठा ली है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इस गाड़ी को। हमें जाना है इधर की तरफ, गाड़ी में तगड़ी है इस गाड़ी, किसी भी गाड़ी को टक्कर मारो। तो गाड़ी उड़ जाती है, मुझे लगता सामने मॉल है। अभी मैं इस बाइक वाले को ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, वाली है कोई वाला नहीं है। तो गाइस हमारे पीछे लग चुकी है पुलिस। जल्दी से निकलते हैं यहां से। तो हमें जाना था एलन के पास, पर बीच में हमारे पीछे लग चुकी है पुलिस। अरे जल्दी भाग ले यार गाड़ी। गाइस हमारे पीछे से पुलिस हट चुकी है, हमें जो लास्ट में जो ड्रिप मारी थी उस पर हमारी पुलिस हट गई थी। अब दोबारा पुलिस लगनी है कि यार गाड़ी के नीचे आ रहा था कि अपना आप ही गाड़ी के नीचे कूद जाते, फिर ऊपर गाड़ी चले तो हमारे पीछे पुलिस लग जाती। पुलिस हम अरेस्ट कर ले तो हमारे रूट पर देखकर हमें छोड़ना पड़ता है। तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो हमें जाना होगा अंदर। मेरे हिसाब से मैं गाड़ी को छोड़ता हूँ, वैसे ही निकलता हूँ सीधा। जल्दी से अंदर चल के देखते हैं, मुझे लगता है ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हमें उसने बुलाया है। यस गाइस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उसने हमें बुलाया था। हम आ चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है गाइस, ये पार्किंग का रेट बता रहा 2 रुपए, 2 रुपए या डॉलर ये पता नहीं, क्योंकि पीछे कोई साइन नहीं बना हुआ है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम सब एक जगह आ चुके हैं। एलन, डिगन स्मिथ, मारी, ब्रैनफोर्ड और हम, ये चौथे का नाम हमें पता नहीं गाइस, चौथा नहीं है गाइस, ये गई पीछे है। ओह गुड, यू मेड इट, वी फाउंड आउट हु जैक्सन ड्यूक इज मीटिंग विद, सम ब्रो नेम्ड रॉजर ग्लेजर रिप्रेजेंट्स सम ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग ऑफ क्रैशिंग द पार्टी बट इट बी नाइस टू नो जैक्सन ब्रूक है, इसने उसको ढूंढ लिया कि पार्टी और अपनी मीटिंग कहां करने वाला है। वो ड्रग्स का धंधा करता है, इट डजंट मेक सेंस, हम उसकी मीटिंग खराब करनी है सारी। हम सारे एक साथ आ चुके हैं उसकी मीटिंग खराब करने के, क्योंकि मुझे पता है जब हम एक साथ आ चुके हैं सारे तो मैं सोच सकता हूँ कितना बड़ा आदमी होगा। I've certainly never heard this individual. नहीं तो हम अकेले उसकी बैंड बजा देते। No dice. Nothing. But we're still crashing the party, right? Oh, absolutely. तो गाइस चौथा दिन पूछा हम उसकी पार्टी कैसे खराब करेंगे। And if Duke takes a few rounds in the process, well, bonus. अब हम इसको बताते हैं हम उसकी पार्टी कैसे खराब करेंगे। हम चलते गए जल्दी से, ये गाड़ी बैठना है हमें शायद। ये सारे तो गायब हो गए, मैं मुझको अकेले को भेज दिया उसकी पार्टी खराब कर क्या। तो अब जान का खतरा भी है गाइस, सीधे जाते गोली चलाएंगे और मुझे वहाँ बहुत ही डर लग रहा है। पर हम जाना तो पड़ेगा ही गाइस, क्योंकि हमें वो रुपया दे रहे हैं और रुपये के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम गलत मुड़ गए थे, हम इधर की तरफ मुड़ते हैं गाइस। हमें जाना है इस पार्किंग के अंदर, तो पार्किंग में हमें जाना है उस सीढ़ी में। हम सीधा गाड़ी गाइस ऊपर ही चढ़ा देंगे।
तो यहाँ पे चलने वाली है गोलियाँ। हमें पहले एक बार बाहर जाना था गाइज, तो यहाँ से गाड़ी मोड़ लेते जल्दी से, चलते एक बार बाहर। तो गाइज यहाँ पर हमारी लड़ाई यहाँ पर हो चुकी है शुरू। हमें कोई बंदा नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बंदा? यस गाइज ऊपर बंदे दिख रहे हैं, वहां पर किसी को गोली नहीं लग रही है। हम इसके अंदर चले जाते हैं, पर क्या हो रहा है? गोलियां खराब कर रहा है सिर्फ ये गोलियां। नीचे आ रहे गाइज, नीचे आ रहे हैं। अच्छा तेरी मैं सीते सी करता हूँ। एक को तो हमने कर दिया यहाँ पर खत्म, इसको करते हैं हम गाड़ी को थोड़ा पीछे और हम गाड़ी को ऊपर ही चढ़ा देते हैं गाइस। गाइस आगे एक पेप्सी पीने के लिए मशीन लगी हुई है, आओ पैसे डालो और पियो। अरे घूम जा यार। तो गाइस घूम गई गाड़ी, इसको करते थोड़ा पीछे, हम गाड़ी में बैठ ही रहेंगे, हम गाड़ी में उतरेंगे नहीं। आजा आजा तेरी माँ की आँख साला आगे तो आ, पीछे से कौन गोलियां चलाता है यार। फिर देखो गाइस मोटा गाड़ी गोलियां चला रहा है, एक और बच रहा है गाइस कोई। हमें उस आदमी को बचाना है या क्या करना है? एक आदमी बचा है गाइस अभी। अरे चल यार इसको हम थोड़ा बैक करना होगा गाड़ी को। हमें इस आदमी को मारना है, करना क्या है गाइस इसका? पहले मैं इसको ही मारता हूँ, बाद में देखेंगे इस आदमी को। हम कहाँ से हमारे नीचे से आ गया मुझे लगता है वो रहा ना गाइस। इसकी तेज तेजी करता हूँ आज मैं, गोलियां तो लग रही है गाइस इसको, पर थोड़ी टेढ़ी गोलियां लग रही है। वो मोटा गया, एक मोटा और रह रहा गाइस, थोड़े बैक गाड़ी पीछे लेते हैं वो रहा गाइस। ये काम बहुत अच्छा है गाइस। ब्लू टील स्टूडियो है गाइस, ये ब्रांड फोर्ड ब्लू टील स्टूडियो की बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। ब्लू टील ब्रांड फोर्ड गाइस एक म्यूजिशियन है और ब्लू टील स्टूडियो इसकी जो कैसेट्स होती है रीच द मरीना। हमें मरीना के पर पहुंचना है। इस गाड़ी को मैं एक बार उतर जाता हूं गाड़ी से, इससे हम बात करते हैं। इसको क्या करना है, मारना है इसको, करना क्या है? ये मैं चांस नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इसको मारने लगा नीचे गाइस एक वो है, मैं आज कूद जाता हूँ सीधा ही। इसमें कोई एक भी गाड़ी नहीं है। अरे क्या कर रहा है यार, लगवाएगा पुलिस। हमने एक टैक्सी ले ली यहां से, ये गंजा हमारे घर टैक्सी लेकर आया है, ये गंजा तो अभी ऊपर खड़ा था। हम पहुंचने का सीधा मरीना पर, इधर मुड़ जाते हैं हम और हमें जाना सीधा आगे। मुझे लगता है कोई बंदे भी होंगे। यस गाइस आगे बंदे हैं, इसको मैं गाड़ी में से उतर के नहीं मार देता हूँ, गाड़ी में से उतरूंगा ही नहीं, वैसे ही मार देते हैं इसको। एक और बच रहा है, क्या हुआ? यस गाइस यहाँ पे एक और अभी आदमी अभी नहीं है, जल्दी मुड़ ले यार गाड़ी। अब इसको यहाँ उतार देते नीचे। हम आ चुके गए इस मरीना पे, ये आदमी को हमें मारना है। इस आदमी को दिया वैसे ही दारू पी के पड़ा हुआ है, इसको क्या मारे। तो गाइस हम बैठ चुके इसमें बोट में, हम चलते गए जल्दी से, पहुंच के देखते हैं हमें जाना कहाँ है।
हमें इधर मुड़ना है। क्या हो रहा है? कहाँ जाना था? यस गाइस, हमें इधर जाना है। आगे मुझे लगता है कोई ना कोई बंदे जरूर होंगे। हमने उसकी पार्टी तो गाइस सारी खराब कर दी। हम यहाँ उतर जाते हैं। हम यहाँ उतर चुके हैं और यहाँ पर आने वाले कोई ना कोई बंदे। तेरी माँ की आंख साले। बंदे नहीं है गाइस, बंदियां हैं। बंदे नहीं है, बंदियां हैं यहाँ पर सारी। मैं भी ऊपर जाकर देखता हूँ बंदा या बंदी। बड़े बड़े बालों से तो मेरे को बंदी लग रही थी, पर यहाँ से वो गायब हो चुकी है। मैं जल्दी से भागता हूँ यहाँ से। भाग कर मैं पहुँचता हूँ सीधा ऊपर। ऊपर ही जाना है गाइस, जैसे मुझे लगता है। यस गाइस, ये इसका मैन जो है, हमारा बंदा है, इसको हमें मारना है। इसका नाम है जैक्सन ड्यूक। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहाँ है जैक्सन ड्यूक यार? इसका जैक्सन ड्यूक ऊपर है। ये थोड़ा सा बच के निकलेंगे, क्योंकि भाई पता नहीं क्या आगे आता हो, खड़ा हो, रात ही गोलियां मार दे। ये है गाइस जैक्सन ड्यूक, इसका नाम है जैक्सन ड्यूक। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे खत्म हो जाए यार, बहुत ज्यादा एचपी है गाइस इसमें। अरे अच्छा, कितनी गोलियां लगे? और यहां पर मेरे हिसाब से ये नहीं मरा है। यस गाइस, यहां पर ये मर चुका। हमें इसका ये ब्रीफ केस लेना है और हमने यहां से उठा लिया है। यहाँ सब भाग रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा हमला हो चुका है गाइज। हमला नहीं हो, यहाँ पर हम सारे यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं गाइज। एलन मारी ब्रैंडफोर्ड डिगन स्मिथ, इसका नाम मैं भूल गया गाइज, इसका नाम मुझे याद नहीं है। और हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जैक्सन जो ड्यूक था उसको हमने मार डाला। हमारे को तो हमने बहुत पहले ही मार दिया था जब हम इस शहर में। सो गाइस, जैक्सन ड्यूक मर चुका। नहीं गाइस, जैक्सन ड्यूक अभी जिंदा है। यस गाइस, अभी ये जिंदा है, अभी मरा नहीं है। सो गाइस, अब हम इस पूरे शहर के बेताज बादशाह बन चुके हैं, क्योंकि अभी तक जैक्सन ड्यूक तो गाइस अभी हमने मार के आए थे, पर वो अभी मरा नहीं है। तो हमने लास्ट के कट सीन में उसे देखा था कि वो जिंदा हो गया था मरते मरते। इतना बड़ा गाइस ब्लास्ट हुआ था, जब भी वो मरा नहीं, जब भी उसमें थोड़ी बहुत जान बची रही थी। तो अपनी गाड़ी को उठाते हैं। इस गाड़ी का नाम है गाइस बफलो। आपने ये गाड़ी देखी नहीं होगी, इस गाड़ी का नाम है बफलो। हम जल्दी से गाइस अपने घर चलते हैं। घर चल कर देखते हैं हमें क्या क्या चेंज अभी हम कर सकते हैं अपने घर में। फिर तो हम अपने घर को ही बदलेंगे गाइस, अगर बदलना पड़ा तो। नहीं गाइस, अगर बदल सकते हैं तो, बदलना पड़ा नहीं, बदलना तो है ही गाइस। तो गाइस मैं जल्दी से पहुंचता हूं उधर और मैं आपको मिलता हूं पहुंचने के बाद। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने यहां पर घर पे पहुंचने वाले हैं। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे और हमें लेना है यहां पर राइट साइड में कट। हम अपनी बोट पर पहुंच जाएंगे और हम अपनी बोट को लेकर अपने जाएंगे अपने घर। हम आ चुके हैं अपने सीधे घर पर। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हम ये कार लाए थे, हम ये कार अपने साथ लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। ये कार है गाइस, हम इस कार को लेकर आए थे और इस कार को लेकर हम अपने घर आ चुके हैं। अभी फिर घर को देखते गाइस, अपने घर को हम कस्टमाइज अभी कर सकते हैं या फिर अभी भी नहीं कर सकते। नहीं गाइस, अभी भी हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। हमने पिछली बार अपने ब्लैक मार्केट को तो कस्टमाइज कर लिया था, इसको हम देखते हैं अगर कस्टमाइज कर सकते हैं तो। इसको भी हम अभी कस्टमाइज नहीं कर सकते।
अबे क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा गाइस, हम अपने घर को कस्टमाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरे होक जा यार कस्टमाइज थोड़ा सा, हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। अपने घर में चलते हैं गाइस अंदर ही। ये हमारा घर है तो गाइस हमने इसको कस्टमाइज कर लिया है और ये यहाँ पर हो चुका है कस्टमाइज। हैं? ये कस्टमाइज हुआ है गाइस ये। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन ना उसे प्लीज दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो गाइस गुड बाय।